Can you see me? Can you see me? No, no, you cannot see me. Yes, आज हम जॉन सीना के best matches देखने वाले हैं. तो यस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, एंड यू नो एक बार फिर से हम आर्टिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं जहाँ पर हम जॉन सीना के बेस्ट मैचेस देखने वाले हैं रैंक के, भैया नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जॉन सीना वो बंदा है जो कि मैचेस के लिए नहीं जाना जाता. या जॉन सीना जाना जाता है अपने कैरेक्टर के लिए, लेस मूव सेट के लिए. बट फिर भी मेरे को लगता है कि जॉन सीना इज़ वेरी अंडररेटेड. जिसके साथ भी बंदे ने काम किया है, मेरे को लगता है कि स्टोरी में मजा आ जाता है. एक बार स्टोरी में आप अपना इन्वॉल्वमेंट लाइक आप अपनी वो दिखा देते हो ना कि हाँ भैया मेरे को इसमें मजा आ रहा है, तो बस आई थिंक उतना इनफ होता है. और जॉन सीना कैन इजीली डू दैट. खैर, सबसे पहले नंबर 10th पर जो इन्होंने रखा है, दैट इज जॉन सीना वर्सेस JBL वाला आई क्विट मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप. आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैं DVDs लाता था और उसमें मैंने देखा ये जॉन सीना वर्सेस JBL वाला मैच. आई वॉज लाइक ओ, इनके बीच ऐसी राइवलरी हुआ करती थी. क्योंकि जब मैंने देखना शुरू किया था उस टाइम पे लाइक ये सब हो चुका था, जॉन सीना और एज का एंगल शुरू हो गया था. बट व्हेन आई सॉ दिस मैच, पर्टिकुलरली दिस मैच, लाइक वो जो था हमारा रेसलमेनिया वाला, दैट वाज गुड. बट ये जो आया था ना, ब्रूटल वाला, रूथलेस अग्रेशन को शोकेस करने वाला, जॉन सीना का पूरा फेस, ब्लडी फेस देखने वाला, लाइक दिस वाज समथिंग एल्स. वहाँ पर वो उसकी लिमोजिन खड़ी रहती थी JBL की, उसके ऊपर चढ़ गए. आई स्टिल रिमेंबर दैट कि पता नहीं जॉन सीना ने कुछ तो पाइप सा उखाड़ लिया था बड़ा सा, और वो JBL के पीछे भाग गया कि भैया अब तो तू बोलेगा जरूर आई क्विट. और JBL ने वो बोल भी दिया, बट अल्टीमेटली जॉन सीना ने वो मारा जरूर. और वो जैसे कर्ट एंगल ने शेन मैकमैन को फेंका था ना वो ग्लास पे, बिल्कुल वैसे ही JBL भी जाके गिरा. और बहुत अच्छा भी था, क्योंकि हमने देखा पूरे मैच के दौरान बेचारे जॉन सीना के साथ बुरा हो रहा था. एक टाइम पे तो रस्सी से गला भी घोट रहा था JBL. पर JBL मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा कुत्ता आदमी था उस टाइम पे. ये जो विलन्स थे ना उस टाइम पे, अगर आज की जनरेशन देख लेती ना वो तो पागल ही हो जाती. आज तो फिर भी एक दो हील मूव कर देते, एक दो इंसल्ट हो जाती, उसी में खुश हो जाते हम लोग. बट उस टाइम पे भाई साहब, मैं सही में कह रहा हूँ, जान से मारने को तैयार हो जाते थे. बट जॉन सीना ने वहाँ पर वो मैच जीता. एंड ऑब्वियसली वो स्टार्ट था उस रन का जहाँ पर जॉन सीना का एक, मैं कहूँगा कि इस समय पे जो ट्राइबल चीफ का रन है ना, वो हमें उस टाइम पे जॉन सीना की तरफ से देखने को मिलता. वो तो अल्टीमेटली इंजर्ड हो गया जॉन सीना, बट मुझे लग नहीं रहा था कि जॉन सीना के पास से टाइटल कभी भी हटने वाली थी. सो या इस पर्टिकुलरली मैच की बात करूँ तो आई क्विट मैचेस के मामले में ऑब्वियसली याद तो आता ही है. और जॉन सीना वो बंदा है जिसके साथ आई क्विट मैच कर लिया, मतलब आपने अपनी हार डिसाइड कर ली है. अगला मैच इन्होंने नंबर 9th पर रखा है, दैट इज जॉन सीना वर्सेस CM Punk का फ्रॉम नाइट ऑफ चैंपियंस 2012. और ये जो मैंने बोला है ना नाइट ऑफ चैंपियंस 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन्होंने लाइक 2011-2012 जो मैचेस लड़े हुए हैं, इवन 2013 में भी आई थिंक जो मैचेस लड़े हुए हैं, हमें ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई कौन से वाले की बात हो रही है यहाँ पर. लाइक प्री मनी इन द बैंक वाले की बात हो रही है, पोस्ट मनी इन द बैंक की बात हो रही है, CM Punk as baby face या CM Punk as bad guy, कौन सा वाला मैच है. बट खैर, इसमें हमें मैच देखने को मिलता है और ये मैच बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड. आई थिंक द रीज़न कि इसको इतना नीचे रखा गया है पूरी लिस्ट में, बावजूद इसके कि जॉन सीना और CM Punk की इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही है और मैच भी कमाल का था, आई थिंक द रिजल्ट, इस मैच का जो रिजल्ट था ना, मैं आपको बता दूं, ड्रॉ हो गया था. आई रिमेंबर जॉन सीना ने कुछ तो पिन किया था ऐसे पीछे सुप्लेक्स टाइप के पोजिशन में, रेफरी ने काउंट किया एंड जॉन सीना वॉन. बट देन पता चलता है कि यार ये तो ड्रॉ था और CM Punk के पास टाइटल आ जाती है. लाइक सीरियसली, लाइक कम ऑन, नाइट ऑफ चैंपियंस उस, भाई पहली बात तो 2012-2011 ये ऐसा टाइम होता था जो कि पीक विंस मैकमैन एरा, कि भैया अगर विंस मैकमैन के पीक एरा को देखना हो ना, लाइक आयरॉनिकली कह रहा हूँ मैं, तो फिर आप ये वाले साल उठा के देख सकते हो. एक ऐसा टाइम जब हमें देखने को मिला सिन कारा के मैचेस. भाई सिन कारा, भाई क्या सिन कारा के बारे में भी कभी बात करेंगे, बट अभी हम उसके बारे में नहीं बात करने वाले. अभी तो मैं कह रहा हूँ जॉन सीना वर्सेस CM Punk की जो केमिस्ट्री हुआ करती थी ना, आप कोई सा भी मैच उठा लो, बस आप उसके रिजल्ट के बेसिस पर रैंकिंग दे सकते हो. अदरवाइज तो इन दोनों ने जो कमाल किया ना, मेरे को लगता है बहुत अच्छा किया कि CM Punk को इतना लंबा टाइटल रेन दिया. ऐसा दिखाया गया कि हाँ जॉन सीना की पोजिशन पर CM Punk भी रह सकता है. CM Punk ने जो मर्चेंडाइज बिकवाई थी जॉन सीना के लेवल की, आई मीन कम ऑन, हैट्स ऑफ यार. लाइक लग रहा था कि हाँ CM Punk इज द नेक्स्ट बिग थिंग. फिर उसने शादी कर ली और ट्रिपल एच ने निकाल दिया, सॉरी विंस मैकमैन ने निकाल दिया. नेक्स्ट अप नंबर 8th पर जो इन्होंने रखा है, दैट इज जॉन सीना वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया 28, वंस इन अ लाइफ टाइम.
फिर वो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम हो गया था, बट 2012 तक तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही था। बहुत अच्छी रेसलमेनिया थी, आप एनवायरमेंट देख लो, आप वो अरीना देख लो, आप वो पूरा कार्ड देख लो, आप जो बिल्ड देख रहे हो जॉन सीना वर्सेस द रॉक का उस टाइम पे, दैट वाज डेफिनेटली इनक्रेडिबल। लग रहा था टू ऐसे सुपरस्टार्स लड़ रहे हैं जो कि WWE को डिफाइन करते हैं। ये मैच इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था, बट फिर भी मेरे को लगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी द रॉक ने। लाइक अभी भी लोग कहेंगे कि अबे द रॉक को लड़ना कहाँ था, द रॉक को लड़ना, भाई लड़ना किसे आता है, विल ऑस्प्रे को ना, घिस रहा है ना ऑल एलीट रेसलिंग में, है ना, तो ये लड़ने वाली तो चीज़ पता नहीं क्यों ही लाते, बट जो रॉक स्टोरी टेल करता है ना, मेरे हिसाब से भाई द रॉक से बढ़िया इस समय पर कोई नहीं है, इस समय पर कह रहा हूँ, बिकॉज वो बंदा अभी भी है इस एज में, अगर ऐसी स्टोरी टेल कर सकता है ना तो फिर बाकी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो। बट एनीवेज, जॉन सीना की जो वो लॉस थी ना, मेरे को लगता है उस मैच में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब वंस इन अ लाइफ टाइम उसकी वजह से ट्वाइस ऑफ लाइफ टाइम बनी हो या ना बनी हो, रीज़न तो पता नहीं, बट वो एक इमेज जो आ गई थी जॉन सीना की, वहाँ पर ऐसे शॉक में बैठे हुए, रॉक जीत गया है, करंट ऑडियंस को ये लग रहा है कि अब यार क्या जॉन सीना इतना वीक है कि पुराने वाले सुपरस्टार से हार रहा है। आई थिंक उसने एक नींव बो दी थी कि नहीं यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम तो नहीं रहने वाला। अगर सऊदी अरेबिया की उस टाइम पे डील होती ना तो ये पक्का क्राउन ज्वेल में मैच होने वाला था, रीमैच इनका, इनका रेसलमेनिया में नहीं होता, नहीं रुक पाती WWE भाई, मैं सही में बता रहा हूँ। जॉन सीना वर्सेज द रॉक रेसलमेनिया 28 एब्सोल्युटली डिजर्विंग टू बी इन द टॉप 10। अब नंबर 8th पर या नहीं ये तो खैर बाकी के मैचेस से पता चलेगा। देन वी मूव ऑन टू नंबर 7th एंड That is John Cena versus AJ Styles ka from SummerSlam 2016. That to me was the career making match of AJ Styles in WWE. I know AJ Styles is a guy jisko इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर वो वैसे भी आता और वैसे भी चैंपियनशिप जीतता, वो सब करता, वो टॉप पे चला जाता। But when I say this कि अगर आप आ रहे हो और अपने पहले ही साल में John Cena को हरा दे रहे हो क्लीन, मेरे हिसाब से फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, समझ लो अपने अपने हराया, अपने एक बार क्लब की हेल्प ली, क्लब बोले तो वही गैलोज और एंडरसन, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आया। लेकिन समर स्लैम वो पेपर व्यू आया जब AJ Styles ने ना तो हेल्प ली, फिनोमिनल फोरआर्म स्टाइल क्लैश एंड इट्स ओवर, जॉन सीना को हराया। मार्की मैच रहेगा ये AJ Styles के करियर में, मार्की विन रहेगी AJ Styles के करियर में, बट ऑन द अदर साइड जॉन सीना को एक ऐसा ओपोनेंट मिला जो कि लिटरली 5-star मैचेस दे सकता है। CM Punk के बाद आई थिंक बहुत टाइम के बाद जॉन सीना को ऐसा ओपोनेंट मिला होगा, तो ये मज़ा तो आ गया था। भले ही मनी इन द बैंक वाले मैच में इंटरफेरेंस हुई थी, लेकिन मैच वो भी तगड़ा था, समर स्लैम वाला, क्योंकि क्लीन फिनिश हुआ, इसीलिए मेरे को लगता है उसका इस लिस्ट में रहना बनता है। जॉन सीना वर्सेज AJ Styles की जो ट्रायोलॉजी थी ना, वो अपने आप में ही इनक्रेडिबल थी, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि नंबर 6th पर जो एक और मैच रखा है, दैट इज जॉन सीना वर्सेज AJ Styles येट अगेन, बट फ्रॉम रॉयल रंबल 2017 फॉर द WWE चैंपियनशिप, वन ऑफ द वेरी फ्यू मैचेस जिसको डेव मेल्जर ने भी 5-star दिया, एंड दैट इज वेरी वेल डिजर्विंग ऑफ 5-star फ्रॉम एनीबडी। अगर आप इस मैच को देखोगे, अगर आप जॉन सीना AJ Styles के फैन नहीं हो, आप अप्रिशिएट करना चाहोगे कि क्या हुआ है, आप इन जनरल भी अप्रिशिएट करना चाहोगे कि हाँ यार यही वो मैच था जिसके अंदर जॉन सीना ने WWE चैंपियनशिप जीती और 16th टाइम टाइटल जीती, रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड टाई किया। नॉट जस्ट दैट, AJ Styles से बदला भी ले लिया अच्छा खासा, जो कि मेरे को लगता है हाँ ज़रूरी भी था उस लॉस के बाद। और जो सुपर AA पड़ी थी ना इस मैच के दौरान, दैट वॉज इनक्रेडिबल। जॉन सीना वर्सेज AJ Styles आर वन ऑफ लाइक इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार कॉम्बिनेशंस जो कि आपको लाइफ के किसी भी पॉइंट पे WWE के किसी भी एरा में आपको ग्रेट इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग मैच दे सकते थे, और ये इन्होंने प्रूव भी किया 2016 और 17 के दौरान। आई थिंक 2018 के दौरान भी इनका कुछ स्टिंट हुआ था लाइक फास्ट लेन के आसपास, बट आई थिंक वो सिंगल्स मैच नहीं था। बट एनीवेज, ये थे जॉन सीना के टॉप लाइक बॉटम 5 मैचेस इन द टॉप 10। अब जो अगले हैं वो आई थिंक पार्ट 2 में आने वाले हैं, तो अगर आपको भी पार्ट 2 चाहिए तो ऑब्वियसली लिख कर बताना कमेंट्स के अंदर, या फिर लाइक भी कर सकते हो। अगर इसके अंदर 666 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई सेकंड पार्ट भी चाहिए। कमेंट्स में लिख कर बताना आपका इनमें से फेवरेट जॉन सीना का मैच कौन है। मेरे को पिक करना होगा तो आई थिंक पहली बात तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो लिस्ट है लाइक सीना वर्सेज स्टाइल, सीना वर्सेज JBL, सीना वर्सेज रॉक, सीना वर्सेज पंक, यू नो वट, मैं नहीं पिक करने वाला, बिकॉज दे ऑल आर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। मेरे को तो जब मैं जिस एरा में था मेरे को उसमें मज़ा आया,
कमेंट्स में अपना लिख के बताना अगर आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट है इनमें से, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।